नरसिंहगढ़ से थाना नरसिंहगढ़ में शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार कर अंग्रेजी शराब की 80 पेटी कीमती 8 लाख रुपए तथा एक ट्रक कुल कीमत 33 लाख रुपए जब्त किए गए। राजगढ़ पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना प्रभारियों को शराब माफियाओं को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के पालन में श्री भारतेंदु शर्मा एसडीओ पर नरसिंहगढ़ द्वारा अपने अनुभाग के समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। सभी थानों द्वारा अपने मुखबिरों को सक्रिय किया गया। तो वही 3 जनवरी सोमवार की रात में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बाहर का ट्रक शराब लेकर नरसिंहगढ़ की ओर आ रहा है। थाना नरसिंहगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए ट्रक के आने का काफी इंतजार करने के बाद मुखबिर द्वारा बताए होलिये का संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों को हाईवे चौकी के पास राजस्थान पार्सिंग ट्रक को रोका गया। ट्रक में माल के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने ट्रक में कोई माल नहीं होना बताया तथा कच्चा माल खाली करके आना बताया। वो वापस भरने जा रहे हैं। केले के पत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। पीछे डाले में चढ़कर चेक किया गया तो ट्रक में केले के पत्ते के नीचे खाकी रंग के कार्टून बॉक्स रखे हुए थे, जिन्हें चेक करने पर उनमें मैकडावेल्स व्हिस्की, रॉयल स्टेज व्हिस्की, इंपीरियल ब्लू के कार्टून बॉक्स रखे पाए गए। तो वह ट्रक में अवैध शराब भरी हुई थी। नरसिंहगढ़ से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट। ठीक है सर। नंबर RJ11GB5053 इसको चेक करने पर चेक किया गया तो खाली, पहले पुलिस को खाली ट्रक प्रतीत हुआ, केले के पत्ते डाले थे। ड्राइवर से पूछे, उन्होंने कहा कि माल खाली करके आ रहे हैं और खाली माल भरने जा रहे हैं। ये पुलिस ने चेक किया तो उसमें से केले के पत्तों के नीचे 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें मैकडॉगल बिस्की की 37 पेटी, रॉयल स्टैग की 15 पेटी, इंपीरियल ब्लू की 27 पेटी, रॉयल चैलेंजर की 12 पेटी और सभी कुल मिला के इसमें करीब 8 लाख रुपए की शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये शराब के संबंध में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि कहाँ से ले जाके इसको कहाँ ये जाने वाली थी, संबंध में हम आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को सर कितना आरोपी पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ कर रहे हैं। सर अभी मालूम वगैरह कुछ पड़ा के कहाँ की है? इसमें जो आरोपी हैं उसमें एक है नितेश लोधी, एक खेली मनी थाना मनिया है जिला धौलपुर राजस्थान का, और दूसरा आरोपी भी वहीं का है पूरन जी, ये भी वही मनिया धौलपुर राजस्थान को उन्होंने बताया। सर इसमें क्या मालिक को भी ढूंढा जाएगा, मालिक किसकी शराब थी उसको? हाँ, इसको पुलिस रिमांड लेके पूरी विवेचना करेंगे कि शराब कहाँ से चली, कहाँ पहुँचाई जा रही थी, किसकी है, इसकी पूरी बारीकी से विवेचना करके सभी कार्रवाई करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में विशेष रूप से नवपदस्थ निरीक्षक संदीप मीणा की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ के निर्देशन में पूरी कार्रवाई अंजाम दिया। विशेष रूप से इसमें निरीक्षक थाना प्रभारी दलवीर चावड़िया, संदीप मीणा, राकेश दामले, प्रधान आरक्षक मनोहर साहू, आरक्षक भूपेश केशव राजमल, मनोज परिहार, विवेक चौहान, बलराम, सैनिक राजेंद्र, सैनिक कमल की भूमिका विशेष सराहनीय रही, और इस अच्छे कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी को अधिक से अधिक पुरस्कार देने की घोषणा की। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.